कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कोरोना चल रहा है आजकल, शूट वूट कोरोना वरोना तो अब सब खत्म हो गया है, तो उसके बाद से अब जो नई जिंदगी पटरी पे आई है, तो उसके बाद से क्या व्यवस्था है? कोरोना की वजह से काफ़ी काम पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट सब ये चीज़ें फेस कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना के बाद वर्क थोड़ा स्टार्ट हो गया है और अच्छा काम चला। फिलहाल कुछ महीनों में तो काफ़ी अच्छा काम किया मैंने, 2-3 वेब सीरीज आ रहे हैं, एक स्वराज्य है उसमें से, एक रंगबाज वांटेड है, एक द लास्ट पेज ऑफ डायरी है आर्य बब्बर के साथ, जो अमेज़ॉन डिज्नी हॉटस्टार काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म के लिए चल रहे प्रोसेस में। जी, कोरोना के सेकंड जो स्टार्ट हुआ था तो जी, उसमें आप काफ़ी मोटी हेल्दी हो गई थी एकदम से, फिटनेस अभी सडनली इंटरव्यू आपको करने आया हम तो फिट हो गए, तो क्या जी, बात जी। है क्या इतना के जादू की छड़ी है कि एकदम फिटनेस हाँ में, क्या कुछ टिप्स वगैरह दो? एक्चुअली कोरोना की वजह से जिम बंद थे, आपको पता होगा सारी तरफ सारी चीज़ें, और खाना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जॉगिंग करना योगा सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया था, काम भी इतना नहीं चल रहा था, बट मैं इतनी मोटी भी नहीं हुई थी जो आपका लास्ट इंटरव्यू था। हाँ, थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, बट अभी क्या है कि मार्शल आर्ट, जिम और डांस क्लासेस बैक टू बैक सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो जब आप 2-3-4 घंटे दिन के किसी भी एक्टिविटीज़ में देंगे तो डेफिनेटली यू लुक परफेक्ट। आर्या जी के साथ एक वेब सीरीज आ रही है जो डिज्नी हॉटस्टार के लिए मोस्ट प्रोबेबली, उसका नाम है द लास्ट पेज ऑफ डायरी। ये एक कपल है जिसके बारे में वो किस तरीके से चीज़ों को, मतलब ओवर एम्बिशियस कपल हैं और किस तरह से चीज़ों को फेस कर रहे हैं लाइफ में, और उसमें जो लास्ट जो चीज़ें होती हैं वो एक सस्पेंस रहेगा जो आप देखेंगे तो पता चलेगा, तो काफ़ी अच्छा है स्टोरी है वो। किस तरह का कैरेक्टर है आपको? ये एक लड़की है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और आफ्टर मैरिज जो सिचुएशन को हर कोई आजकल इंडिया हो या कहीं भी लोग फेस करते हैं कि आफ्टर मैरिज चीज़ों को लेकर के काफ़ी नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि पति को लगता है कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए, तो ये जो किरदार है ये काफ़ी ओवर एम्बिशियस है, और उसके बीच जो भी इंसिडेंट होते हैं उसको लड़की एक कैसे फेस करती है और क्या होता है उसमें पूरी दिखाई गई है चीज़ों को लेके। आर्यन बब्बर के साथ में आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत अच्छी रही। एक्चुअली इसके पहले जो रंगबाज वांटेड आ रहा है, एक वेब सीरीज है जो अमेज़ॉन के लिए मे भी हो, उसमें हमने साथ में ही काम किया था, वो उन्होंने कॉप का कैरेक्टर प्ले किया था उनके साथ, खैर मेरा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था लेकिन इसमें किया, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं और सामने वालों को भी कंफर्ट करते हैं कि वो अच्छे से अपने किरदार को निभा पाए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का। सेकंड जो आपने बताया इससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। जी, किस रंगबाज वांटेड? हाँ, वो भी एक स्टोरी है मिर्ज़ापुर टाइप की है, जो एक लड़का है मेरठ का लड़का है जो MP जाता है, वहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज़ में फंस के, और एक लव स्टोरी भी है जो मेरा और देव शर्मा का है, और वो क्या सिचुएशन आती है, कितने सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है उस दौरान, वो जेल जाता है, काफ़ी केमिस्ट्री दिखाई गई है, ट्विस्ट है उसमें, आपको देखने पे पता चलेगा जब रिलीज़ होगी तो। ये कब तक प्रोजेक्ट ये देखिए ये सारे शूट हो चुके हैं। कहाँ शूट हुए थे पहले तो ये थे? रंगबाज वांटेड जो है वो हुआ था ग्वालियर में, एक टीकमगढ़ है, वहाँ पर शूट किया था हमने, 15-20 दिन का स्केड्यूल था। बाकी जो फरीदाबाद में हमने शूट किया उसका नाम स्वराज्य है, वो भी काफ़ी अच्छे मुद्दे पे है, और द लास्ट पेज ऑफ डायरी तो बॉम्बे में ही शूट किया था, तो 4-5 वेब सीरीज़ हैं, वेब फिल्म है जो बैक टू बैक रिलीज़ होने वाली है। कुछ लास्ट में सेकंड पार्ट के लिए भी है इसमें या बस? हाँ, सेकंड सीज़न होगा रंगबाज वांटेड का, डायरेक्टर ने यही बोला है, क्योंकि उसमें अभी स्टोरी टू बी कंटिन्यू करके रोक दी गई है, तो मे बी उसकी जब ये रिलीज़ होगा उसके बाद ही लोगों का रिस्पांस देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, कितना पसंद आ रहा है चीज़ें। आपको लगता है जैसे भी वेब सीरीज़ का एक चलन चल गया, जैसे मिर्ज़ापुर आई, आश्रम आई, बहुत काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं जी जी, तो इससे आर्टिस्टों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है जी। OTT प्लेटफॉर्म की वजह से तो काफ़ी सारे लोगों को काम मिल गया, क्योंकि फिल्मों तक काम सीमित रहता था, जब से OTT प्लेटफॉर्म आया तो बहुत सारे ऐप और बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म आ गई हैं, तो हर एक आर्टिस्ट को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है,
उसके थ्रू मतलब बहुत सारे, मतलब जैसा कि पहले ऐसा नहीं था, पहले चीज़ें सीमित थी, अब सीमित नहीं है, अब बहुत ह्यूज हो चुका है OTT की वजह से, तो ये बहुत अच्छा हुआ आई थिंक हर एक कलाकार के लिए। एल्बम भी आपने की? जी जी, एल्बम तो बैक टू बैक 7-8 या पता नहीं 10 कितने हो गए, याद नहीं है। लास्ट एल्बम हरजीत हरमन सर के साथ था, काफ़ी अच्छा रहा उसका रिस्पांस, टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ। और अभी एक आ रहा है तेरे बिन सोनिया, वो भी पंजाबी ट्रैक है, उसका अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसका इवेंट में, तो अब देखते हैं 2-4 दिन में वो भी रिलीज़ हो जाएगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में साउथ की फिल्में हैं कुछ, 2-3 फिल्में हैं जो ऑलरेडी सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। एक फिल्म का नाम अभिमानी है जो मे बी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाए, और एक मलयालम भी है, तेलुगू है, 2-3 प्रोजेक्ट हैं साउथ में। पंजाब में 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पंजाब से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फिल्में या वेब सीरीज नहीं, सब फिल्म ही है, मूवीज़ है। साउथ में तो वेब सीरीज का चलन जी, ऑलरेडी मैंने साउथ का तो वेब सीरीज़ किया ही था, द नेकेड द लस्ट करके, अच्छा रिस्पांस रहा उसका जी। MX प्लेयर पे था वो भी अच्छा रहा। मारो प्रस्थानम से ऑलरेडी मैंने डेब्यू कर ही दिया है, तो अभी 2-3 फिल्में हैं साउथ की और 2 फिल्में पंजाब की हैं। बाकी बॉलीवुड में तो वेब सीरीज ही 3-4 जो आ रहे, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर द बिग डेब्यू, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। फिटनेस की टिप्स दे दीजिए आप, आइडियल हैं आपको काफ़ी। हाँ एक्चुअली मैं कभी लाइव नहीं आती हूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, और मैं यहाँ इसके थ्रू मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे फैंस फॉलोइंग है, मिलियन में लोग मुझे फॉलो करते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं लाइव नहीं आती हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सबके मैसेजेस, चैट्स जो भी रहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू होने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि फ़िटनेस के लिए सबसे ज़्यादा है कि आप खुश रहें, हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग। अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी, आपका फेस वैसे ही ग्लो करता है। और रही बात बॉडी फिट करने की, तो डाइट पे ध्यान दीजिए, 80% डाइट होता है और आई थिंक 20% आपका जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो डाइट पे फोकस रहिए, कुछ भी मत खाइए जंक फूड। हमारा ये शरीर एक मंदिर की तरह होता है, तो आप इसकी देखभाल करें, क्योंकि इसी से आप आगे चल के काम करते हैं। और हेल्थ इज़ वेल्थ, मोर देन इम्पॉर्टेंट देन मनी, सो थैंक यू सो मच। हम आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, तो आप की प्राइवेसी है कमेंट में, इसका रीज़न जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि ऐसा क्यों, उसमें तो निगेटिव पॉजिटिव, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। डेफिनेटली आर्टिस्ट पब्लिक के लिए ही काम करता है, और पब्लिक के प्यार की वजह से हम यहाँ पे हैं। लेकिन कमेंट्स बंद करने का एक रीज़न ये है कि पॉजिटिव कमेंट्स के साथ जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, सो आई डोंट नीड, एक्चुअली आई नीड कॉमेंट्स। ऑफकोर्स आप मैसेज के थ्रू लोग बोल देते हैं कि आप ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कॉमेंट्स आते हैं, कुछ जो नेगेटिव कॉमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं लगता, इसलिए मैंने आई डोंट वॉन्ट एनी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सो मुझे नहीं चाहिए कोई कमेंट्स। फैंस से अब हर फैंस से तो आप मिल नहीं सकती, क्योंकि मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, बट कोई अगर अपने दिल की बात रखना चाहे तो वो कमेंट के जरिए रख सकता है। जी जी जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप उन तक कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में यही देना चाहूँगी कि आप मुझे मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, मैसेज में मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मैसेज पढ़ पाऊँ, या समटाइम्स आई रिप्लाइड ऑल्सो, सो या यू कैन मैसेज मी जो भी आपके दिमाग में हो, व्हाट कैन आई इम्प्रूव लाइक थ्रू एक्टिंग और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, सो जस्ट मैसेज मी, दैट्स इट। न्यूज़ के ज़रिए पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा? जी जी, वो हम शूट कर रहे थे फरीदाबाद में, जब ये स्वराज वेब सीरीज़ के टाइम की बात है, और ये यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहिए शायद, वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया वाइल ड्राइविंग, तो ये इट वाज हैपेंड, तो 5 स्टिचेस लग गए मुझे सर पे, बट नाउ आई एम वेरी फिट एंड फाइन, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बैक टू बैक मैं काम कर ही रही हूँ, सो तो के ऊपर वाले और आप सबका प्यार है कि मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ और कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हाँ मैं ये कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आप लोगों का इतना सारा प्यार, इतनी केयर, और मतलब ऐसे ही बनाए रखिए, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।